सभी भाई जी की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली से प्रोफेसर बुद्ध रसमणि जी, हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना डॉक्टर बाल मुकुंद जी, शोध एवं प्रशासन के निदेशक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के मंत्री श्री महेश कुमार सिंघानिया जी, संयुक्त मंत्री रसिंद्र कोबला जी, न्यासीगण श्री प्रमोद माता नेहलिया जी, विष्णु अजीत सरिया जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आज सर्वे भाई जी की 131वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर भाई जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मां भारती के ऐसे सपूत को, जिनका और संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता के लिए भक्ति वैराग्य और भारत की आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित हुआ था, उनके से चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं सरदेव भाई जी ने सरदेव सेठ जी श्री जयदयान गोयनका जी के सानिध्य में रह करके गीता प्रेस के माध्यम से भारत की वैदिक साहित्य की, आध्यात्मिक साहित्य की जो सेवा की वो अत्यंत अभिनंदनीय है। भारत के अंदर सनातन धर्म की कोई के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिसके घर में कल्याण जैसी पत्रिका न आई हो, और कोई भी ऐसा सच्चा सनातन धर्मावलंबी भारत का नहीं जिसने 1926 से लेकर के पिछली सदी के अंदर कल्याण पत्रिका को न देखा हो। कल्याण पत्रिका को आम जन के लिए सुलभ बनाने, उनकी भावनाओं के अनुरूप उसमें भारत के वैदिक और आध्यात्मिक साहित्य का समावेश करने, उसको समाज और परिवार के अनुकूल बनाने के लिए जो साधना सर्वे भाई जी ने कल्याण के संपादक के रूप में किया, कल्याण पत्रिका ने भी सर्वे भाई जी को कभी भी अपने से अलग नहीं किया, और एक दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। आज भी घर घर में वही साहित्य पढ़ा जाता है जो उस कालखंड में भाई जी ने रचा था, लेकिन यह एक पक्ष है उनका लेखनी का, साहित्यिक का, भारत की वैदिक और पौराणिक साहित्य के प्रति उनकी पकड़ का। लेकिन इससे भी विराट एक व्यक्तित्व सरदेव भाई जी का था।
कोई ऐसा एक सामान्य व्यक्ति को इस पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि क्या एक व्यक्ति इतने रूपों में हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों का भी सहयोगी हो, वह देश के नेतृत्वकर्ताओं के साथ भी संवाद बनाता हो, वह देश के अंदर आई भी किसी आपदा में अग्रिम पंक्ति में रह करके वहां पर सहायता के लिए भी हाथ बटाता हो, सहयोगकर्ता के रूप में एक स्वयंसेवक के रूप में भी कार्य कर रहा हो, वह एक साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को न केवल प्रश्रय देकर के उनको नेतृत्व दे रहा है बल्कि देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेने के साथ साथ भारत के मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के उस पवित्र कार्यक्रम के साथ भी जुड़ा हुआ हो, यह अनुमान लगाना हर एक व्यक्ति के लिए असंभव सा होता है। लेकिन यह सच भी है कि भारत के हित में, भारतीयता के हित में, भारत के एक बड़ी जनसंख्या के हित में जो कुछ भी अच्छा हो सकता था वह उस कालखंड में सरदेव भाई जी ने अपने जीवन का ध्येय बना करके उन कार्यों के लिए सदैव समर्पण भाव के साथ कार्य किया और बिना किसी की प्रवाह के बगैर किया। संबंध सबसे है, संवाद भी सबसे है, लेकिन संबंध और संवाद से भी बढ़ करके व्यावहारिक जीवन में देश हित में क्या हो सकता है यह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सनातन धर्म के हित में क्या हो सकता है, जो सनातन धर्म के हित में होगा, जो देश के हित में होगा, वही हम करेंगे। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार के संबंध और संवाद का कोई मायने नहीं। और इसको उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया, कौन नहीं जानता है। देश की आजादी की उस लड़ाई में सरदेव भाई जी को नजरबंद किया गया, जेल के अंदर डाला गया, साहित्य कल्याण का साहित्य जब्त हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह के बगैर लगातार कार्य करते रहे। हर एक उस क्रांतिकारी के साथ सहयोगी बने रहे। ये भक्ति की वह शक्ति है जो सदैव भारत की धरती ने दिया। कभी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, कभी छत्रपति शिवाजी के नाम पर, कभी महाराणा प्रताप के नाम पर, और मध्यकाल के इस पूरे कालखंड को उठा करके आप देखेंगे जितने बड़े क्रांतिकारी हुए, जितने महान योद्धा हुए, उनकी आधारशिला किसी न किसी भक्ति की आधारशिला से वे आगे बढ़ करके शक्ति के पुंज बनकर के राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता बने। और राष्ट्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में उस कालखंड में उनका जो बलिदान था वह देश के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना। और वही कारण था कि सरदेव भाई जी ने इन सभी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना करके निरंतर उसको वे अंगीकार करते रहे। साहित्य के क्षेत्र में इतना अद्भुत कार्य, गीता प्रेस के माध्यम से रहा हो, आदि पत्रिका कल्याण के आदि संपादक के रूप में उनके द्वारा दिए गए योगदान का रहा हो, या फिर गीता वाटिका में अपनी साधना स्थली में आकर के सरदेव राधा बाबा के साथ मिलकर के, दोनों दो शरीर थे लेकिन दोनों में एक आत्मा निवास करती थी। एक राधा बाबा, सरदेव राधा बाबा पूरी तरह आध्यात्मिक साधना में लीन, किसी भी प्रकार के समाज और व्यवस्था से निरपेक्ष एक ऐसी समाधिस्थ मूर्ति थी जिनको देश काल और परिस्थिति कहीं भी कुछ भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती थी। लेकिन इन दोनों महापुरुषों का आध्यात्मिक सानिध्य इतने लंबे समय तक एक साथ चला कि दोनों दो शरीर थे लेकिन आत्मा दोनों में एक निवास करती थी। आध्यात्मिक यात्रा दोनों की एक साथ चली, एक लंबे समय तक चली, और आज उसी का परिणाम है गीता वाटिका उसी आध्यात्मिक शक्ति के कुंज के रूप में निरंतर नए नए प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है, लोक कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाती है।
आज जब हम लोग इस बात को देखते हैं, आज भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में आज देश के अंदर जिस प्रकार का नेतृत्व है वह भारत और भारतीयता के लिए समर्पित है। भारत के मानबिंदों की पुनर्स्थापना का कार्य जो वर्षों से लंबित था, कई सौ वर्षों से लंबित था, दशकों से, शतकों से जिसकी प्रतीक्षा लोगों को थी, वे कार्य एक एक करके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को विश्वास होता था कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा, लेकिन वह साकार हुआ है और साकार हो चुका है। किसी को यह विश्वास होता था कि काशी की संकरी गलियों में इतना बड़ा बाबा काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा धाम काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर बन पाएगा। आज आप काशी में जाइए, आपको एक विस्तृत धाम वहां देखने को मिलेगा। आप विंध्यवासिनी धाम में जाइए, वहां पे आपको इस प्रकार का स्वरूप मिलेगा। भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जो अव्यवस्था, अराजकता और गंदगी का पर्याय बन चुका था, भगदड़ जिसकी नियति बन चुकी थी, आज सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा का एक मानक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये नए भारत का वह चित्र है जो न केवल आध्यात्मिक, न केवल भौतिक दृष्टि से दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि अपनी विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इन सब के बीच में भी जहां तहां कुछ स्वर उभरते हैं जो अपनी ही जड़ों पर मट्ठा फेरने का काम करते हैं, जब सनातन धर्म को ये लोग कोसने का कार्य करते हैं। सनातन धर्म ने कभी भी किसी भी कालखंड में, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, किसी प्राणी और किसी चराचर जगत से जुड़ी हुई किसी भी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का, ऐसे जंतु का, ऐसी वस्तु का विरोध नहीं किया जिसके कारण कहीं भी इस चराचर जगत का हित जुड़ा हुआ हो। उसने तो सबके कल्याण की बात की, सबके समुन्नत की बात की, सबके उत्थान की बात की, उसके उत्कर्ष की बात की। और दुनिया की कोई ऐसी जाति, मत और मजहब नहीं जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्म ने शरण और संरक्षण न दिया हो। कोई ऐसी जाति और धर्म नहीं दुनिया का जिसको उसके संकट के समय सनातन धर्म ने उसको सुरक्षा न दी हो, उसको संरक्षण न दिया हो। और सबके बावजूद सनातन धर्म पर हो रहे प्रहार प्रत्येक भारतवासी को चौकन्ना करने वाला होना चाहिए। आप याद करिए कि सरदेव भाई जी जैसे कुछ इन्हें गिने व्यक्तित्व थे जो गुलामी के कालखंड में भी भारत और भारतीयता को लेकर के, सनातन धर्म की इस पताका को लेकर के, कल्याण जैसी पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से अपने आप को इस पूरी यात्रा में झोंक करके भारत और भारतीयता की विरासत को संरक्षण देने का कार्य कर रहे थे। उस कालखंड में कार्य करना कितना कठिन और कितना दुरूहा होगा, लेकिन आज हम सब एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद अगर इस प्रकार की कुछ चीजें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं, तो हर भारतवासी को इसके प्रति चौकन्ना होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वास्तव में इसके पीछे कौन वे लोग हैं जिन्हें भारत की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत का प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की यह प्रक्रिया उन्हें अच्छी नहीं लगती, जिन्हें भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति के साथ साथ भौतिक प्रगति किसी भी दिशा में उन्हें स्वीकार्य नहीं। उन तत्वों को हम सबको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आज भारत जिस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहा है, यह यात्रा
न केवल भारत की 140 करोड़ आबादी के सुखद भविष्य के लिए बल्कि विश्व मानवता के सुखद भविष्य के लिए यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है। और इस यात्रा को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग क्षेत्रों में रह करके इसको संरक्षित किया था, और वही यात्रा है जो आज भारत आगे लेकर के चल रहा है, जिसके साये में रह करके हम सब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हुए नित नए प्रकृति के प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को एक निरंतरता देने की आवश्यकता है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम सब के लिए कुछ प्राथमिकताएं जीवन की होनी ही चाहिए। ये प्राथमिकताएं कि हमें अपने देश के लिए समर्पण का भाव चाहिए, पहला देश, फिर धर्म, फिर अपनी जाति और समाज, और फिर अपना परिवार। ये चार प्रकार की प्राथमिकताएं अगर हम तय कर लें, कुछ भी हो, हम अपने देश के हितों के प्रति किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हर भारतवासी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएगा, भारत को दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही तो संकल्प था सरदेव भाई जी का, यही आध्यात्मिक साधना थी जो सनातन धर्म को पुष्ट करने के लिए, जिसे लेकर के यहां लंबे कालखंड तक राधा बाबा ने अपनी आध्यात्मिक साधना की थी। ये वही प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कि पहला देश, फिर धर्म, इसके बाद समाज, और फिर अंत में हमारा परिवार। जब परिवार प्राथमिक हो जाएगा और देश सबसे पीछे छूटेगा, तब सनातन धर्म को कोसने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी। लेकिन जब देश प्रथम पंक्ति पर होगा, प्राथमिकता में होगा, और परिवार अंतिम पायदान पर होगा, तो फिर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब भारत दुनिया की एक महाताकत होगा, एक विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के लिए ही सरदेव भाई जी का पूरा समर्पण था, उनकी साहित्यिक साधना थी, उनका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो दखल थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो उनका समर्पण था, ये उसी बात को लेकर के आज हम सब यहाँ पर एकत्र होकर के सरदेव भाई जी का स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि को व्यक्त कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से सरदेव भाई जी को उनकी 131वीं पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।